जी, तो हमने लास्ट टाइम जो काम कर लिया था वो कहाँ तक था? यहाँ तक हमने इस काम को ओके किया था। आज हम मज़ीद इस काम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास, मैंने वेबसाइट को भी साथ ओपन किया हुआ इस वक्त। तो हम लोगों ने इसके ये ऊपर वाला सेक्शन को डन किया था। अब इसके मैं इस सेक्शन मेन्यू को छोड़ के तो जो नीचे वाला ये सेक्शन बना रहा है जहाँ पर कुछ टेक्स्ट पुट किया हुआ है, मैं इसके ऊपर काम करने लगा हूँ। तो इसको करने के लिए आपको ये टेक्स्ट है, इसे आप बेशक कॉपी कर लो सेलेक्ट करके। कॉपी करने के बाद जो आपकी फ़ाइल है इसी में आपने इसमें ट्रांसफ़र कर देना इसको। और मैं इसको थोड़ा सा कोड को जूम भी कर लेता हूँ। और यहाँ से इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा, जो टेक्स्ट अभी मैंने कॉपी किया है, एक तो देखना क्या वो कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड, वो जो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है ये वाला, इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट किया। कंट्रोल एस करता हूँ ऊपर से, फॉर्मेट में जाके इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ। और यहाँ देखते हैं तुम्हारे पास इसकी आउटपुट क्या आई है। तो ये कुछ टेक्स्ट मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ आ गया, जैसे उधर उन्होंने लिखा हुआ है कुछ यूँ, और हमने जो लिखा हुआ इस तरह आया है। और हमने क्या करना है इसको, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेटिंग करके इसको कंट्रोल किया हुआ है और साथ एक पिक्चर भी कॉल की गई है, तो हमें इसके शुरू में पिक्चर भी कॉल करनी पड़ेगी। पहले तो एक इस इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में आके मैं लिखता हूँ जी आई एम जी एस आर सी सोर्स इमेजेस में जाके, और अपने इमेजेस के फोल्डर में यहाँ मैं देखने लगा हूँ कि वो पिक्चर, इसका नाम है जी अटेंशन, और इसकी टाइप क्या है राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लेते हैं, PNG। तो मैं इसे F2 करके रीनेम करके कॉपी कर लेता हूँ और इसी को जाके वहाँ पेस्ट करता हूँ। और इमेजेस की क्योंकि फोल्डर में, तो इमेजेस का फोल्डर स्लैश अटेंशन, उसके बाद डॉट PNG फॉर्मेट लगाया। कंट्रोल एस करके जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो हमारे पास प्रीव्यू आया कुछ यूं करके, इधर से बिल्कुल ख़राब हो गया सारा कुछ। ये आइकन इधर आ गया, टेक्स्ट इधर शिफ्ट हो गया, सारा काम ख़राब हो गया। अब आपने इसकी विड्थ और हाइट की तरफ आ जाना है, क्योंकि पिक्चर काफ़ी HD क्वालिटी की वो वाली। तो आप इसे बोलोगे इसकी विड्थ, मैं फिर लगता है कि 100 पुट कर रहा हूँ, हाइट भी 100 कर लेता हूँ। अब इसको चेक करते हैं जी हम लोग क्या करते हैं। ये एक आइकन यहाँ पे आया है, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा मुझे। हाइट जो इसकी आ रही है मैं कर रहा हूँ सेट 80। सिक्सटी बाई सिक्सटी किया, रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो साइज थोड़ा सा विड्थ साइज छोटा हुआ और आइकन भी यहाँ पे सेट हो रहा है। टेक्स्ट उसके बाद शुरू हो रहा है, तो आप क्या करो इसी पिक्चर को अलाइन लेफ्ट भी कर लो। ये आइकन हो गया और ये टेक्स्ट और ये पिक्चर आ गया। बाकी इसको जो भी कंट्रोल करना है वो हमारे कंट्रोल में है सारा कुछ का काम। इसका नाम है इम्पोर्टेंट, ऊपर जाकर देखते हैं इम्पोर्टेंट वाला कौन सा है हमारे पास बना हुआ। ये आ रहा है हमारे पास इम्पोर्टेंट वाला, मैं इस पर क्लिक करके इस पर लिखता हूँ जी PADDING पैडिंग कोलन 10 pixels। कंट्रोल करके प्रीव्यू देखते हैं जी, मैंने अभी कोडिंग की, इससे कोई फ़र्क पड़ा कुछ? तो आप यहाँ देखेंगे तो ये टेक्स्ट सारा ऊपर से दाएं बाएं से नीचे आना शुरू हो गया। हालांकि सिर्फ मुझे एक साइडों से चाहिए था, बाकी जगह से नहीं करना। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, पैडिंग 0, पैडिंग 10, 10 और 10। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं क्या आता है, वरना थोड़ी चेंजिंग मैं करूँगा। तो ये देखो उसने क्या किया, मैंने 10 10 किया, उसने चारों तरफ से उसको लाके बिल्कुल फिटिंग में लाके सेट कर दिया हमारे पास, और उसका जो काम था वो ओके कर दिया हमारे पास जी। एक्चुअली बॉक्स का कंट्रोल है, अगर मैं इसे कैंसिल भी कर देता हूँ यहाँ से, मैं कहता हूँ अगर ये नहीं करना, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा स्पेशल, आप सिर्फ इतना काम कर ले, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ मैं। एक काम करने के कई तरीक़ेकार होते हैं, फॉन्ट माइनस साइज़,
यहाँ पे बिल्कुल वो छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा होगा टैक्स, यही वाला लिखा हुआ है कि मैं इसको कर लेता हूँ 10 की जगह 20 करता हूँ। हाँ ऑलमोस्ट 12 देखा जाए तो गुजारे लायक है अपने पास। ये देखो छोटा छोटा लिखा नज़र आ रहा है, ये भी कोई छोटा छोटा मैंने कर दिया अपने पास काम को। उसके बाद जो ये चीज़ आ रही है इसमें जो इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा आ रहा है ये आ रहा है उनका रेड कलर में, और हमारे पास ये रेड कलर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, रेड कलर करने के लिए जहाँ पे ये टैक्स लिखा है इधर लगाएंगे टैग अपने पास फॉन्ट का, कलर इसको देंगे हम लोग रेड, और जहाँ तक ये था नोटिस वहाँ पे जाके आपने फॉन्ट टैग अप कर देना क्लोज। कंट्रोल एस करके चेक किया तो वो टैक्स हमारा वहाँ पे थोड़ा सा रेड भी हो गया, और थोड़ा सा अगर आपको वाजिया करना है तो आप इसके साथ बोल्ड का टैग भी लगा दो, बी टैग स्टार्ट बी टैग क्लोज कर देना है। तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया अपने पास ये टैक्स। तो ये इम्पोर्टेंट टैक्स के बाद जो चीज़ आती है उसकी तरफ आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आती है ये एक पट्टी गुजरती हुई जा रही है, यहाँ पे तीन तरह की तस्वीरें लगी हुई हैं, एक ये लेफ्ट है, एक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक ये वाली तस्वीर है, और मेरे ख्याल से ये सारी तीनों तस्वीरें हमारे पास सेव पड़ी हुई हैं मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी ये एक तस्वीर जो हमने ओपन की है अभी ये है 20th एनिवर्सरी जापान ग्रुप, और इसमें जो प्रीव्यू देखते हैं 20th जापान, ठीक है जी ये भी ठीक है, इधर से ये वाली पिक्चर भी और ये भी तीनों तस्वीरें हमारे पास ये वाली पड़ी हुई, और ये हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल, मैंने सेव करनी बिल्कुल बताई हुई आपको। तो इनको मैं क्या कर लेता हूं? अपने डॉक्यूमेंट को कॉल करने लगा हूं। तो इसके बाद वाला जो डी वाला ये वाला इसके मैं प्रीव्यू में दिखाता हूं जाके जो हमने काम किया हुआ है ये यहां पे, इसके बाद एक एक्चुअल में डी होना चाहिए जो हमने अभी तक डीव इसमें रेडी नहीं किया हुआ। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, जैसा ये डीव है ना सेम यही डीव लेके आता हूँ, और बाकी डीव नीचे शिफ्ट करने पड़ेंगे मुझे। तो मैं अब कर लेता हूँ इसका मूव वहाँ पे ताकि आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सेम जो इम्पोर्टेंट वाला आ रहा है मैं उसकी कॉपी निकाल लेता हूँ जाकर, इसकी कॉपी निकाली। जापान इन्फो के नाम से मैंने ये बनाया डिव अपने पास, क्लास है मतलब ये वाली, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट डिव आ रहा है मेरे पास उसके बाद जाके इसमें कॉपी कर लेता हूँ। ये था जी मेरे पास इम्पोर्टेंट वाला डिव। यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आके जापान इन्फो लिखा, प्रीव्यू करके देखते हैं जी। उसके ऊपर उस डिव के ऊपर एक्चुअल में एक और डिव बन के आ चुका है, अब मुझे क्या करना है इनको थोड़ा थोड़ा मार्जिन टॉप दे के नीचे लेके आना है। तो जो अभी अभी हमने बनाया है इसको मैं मार्जिन टॉप दे के थोड़ा नीचे लाने लगा हूँ। ये फोन तो इसमें चाहिए था मार्जिन माइनस टॉप 100 पिक्सल करके नीचे लेके देखता हूँ जी कहाँ पे आता है। ये इस जगह पे आ चुका है ठीक है। अब इसको 50 करके देखता हूँ जी कहाँ पे आता है, 50 उसके बिल्कुल साथ हो गया। सिक्सटी किया ठीक है, थोड़ा सा गैप के साथ बना हुआ आ गया, और उनका भी थोड़ा आई थिंक सो हाँ जी गैप के साथ ही बना हुआ है, गैप हमने कर लिया इसमें, और उनका जो ऊपर वाला इसमें बॉर्डर भी लगा हुआ है एक्चुअली में, तो मैं बॉर्डर भी लगाता हूँ, बॉर्डर कोलन 1 पिक्सल सॉलिड और रेड, ताकि आपको जो बॉर्डर है वो भी साथ मिल सके। ये रेड कलर का बॉर्डर था वो भी मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब जो बाकी सब कुछ बनाया मुझे उनको मार्जिन टॉप देकर थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ताकि आपको मैं फिर सेटिंग समझ आ सके। तो ये जो लेफ़्ट एरिया आ रहा है इसको भी मुझे नीचे करना पड़ेगा, अगर 55 है तो मैं 155 कर लेता ताकि ज़्यादा नीचे आ जाए और
मेरा टेंशन ये ख़त्म हो जाए। बाद में जो ऊपर करना पड़ेगा तो फिर उसको ऊपर कर लूँगा मैं। मैं इसको भी 155 कर लेता हूँ, सेंटर वाले को भी कर लेता हूँ, मज़ीद मार्जिन टॉप है 2 है तो इसको मैं 4 कर लेता हूँ, ताकि ऊपर से मैं नीचे करूँ चीज़ों सभी ये वाली ऊपर, था मेरे पास जगह बन जाए। बाद में जो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा वो मैं कंट्रोल आपके सामने करके दिखा दूँगा फिर आपको ले जाए। तो मेरे पास ये ऊपर जगह बन चुकी है जहाँ पे उन्होंने तस्वीरों को कॉल किया हुआ था, तब यहाँ पे तस्वीरें कॉल करने का मेथड सिंपल वैसे ही है जो भी अभी मैंने डिव क्रिएट किया आपके सामने जापान इन्फो वाला। इसमें इमेज टैग मैं अप्लाई करूँगा, इमेज टैग अप्लाई भी क्या करना है कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा आपका भी और मेरा भी। कॉपी किया मैंने, इसमें पेस्ट किया, पेस्ट किया 3 बार पेस्ट कर दिया, मतलब आपको एंटर करके सेपरेट कर देता हूँ। एक इमेज टैग यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक शुरू हुआ यहाँ से, एक शुरू हुआ यहाँ से, 3 इमेजेस के टैग आ गए। अब वो जो तस्वीरों के नाम है वो सेम कॉपी करके ले आता हूँ वहाँ से। ये लेफ़्ट है लेफ्ट डॉट PNG, राइट डॉट PNG, और इसका नाम मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ जो भी लिखा हुआ है। ये आई थिंक सो PNG फॉर्मेट्स नहीं है, इन पे प्रॉपर्टी में जाओ जिप फॉर्मेट होगा, GIF सभी का, इसका भी, इसका भी और इसका भी। अब मैं काम क्या करूँगा इसमें, कलर्स मैंने देख लिए लेफ्ट राइट है, और इसको मैं कहता हूँ जी लेफ्ट, इसको मैंने बोला जी इसमें जाके राइट, और इस सेंटर वाले में आके जो भी नाम है सेम कॉपी कर लेते हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी का नाम खुद भी दे सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं जो लिखा हुआ है नाम मैं उसी का फ़ायदा उठा कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से आके से कर लेता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस करके प्रीव्यू देखते हैं कि मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है इतने से काम का। तब यहाँ अगर देखें तो ये मेरे पास कुछ आया तो है रिज़ल्ट, लेकिन बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये रिज़ल्ट आया कि क्या बनाए क्या। बाकी तस्वीरें तो शो ही नहीं हुई, एक तो चलो माना फिर भी शो हो गई, बाकी तो तस्वीरें शो भी नहीं हुई हमारे पास। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ क्या क्या इशू इसमें आ रहे हैं। अच्छा इसको मैंने इसका मार्जिन लेफ़्ट ख़त्म किया ताकि मैं चेक कर सकूँ, और उसके बाद इसका भी मार्जिन अलाइन जो ख़त्म किया वो भी ख़त्म कर देता मैं, इसका भी, इसका भी अलाइन मैंने कर दी ख़त्म। पहला काम तो किया तीनों के साथ ये वाला। अब इन तीनों की जो हाइट है वो मैं थोड़ी करूँगा जाके कम, 50 50 और 50। अब ये 3 तस्वीरें यहाँ लगी हुई आ गई मेरे पास। अब इनकी विड्थ कंट्रोल करूँगा मैं, तो पहला जो है आ रहा है मेरे पास ये वाली, मैंने 150 किया इसको, कुछ बड़ा हुआ मतलब 100 किया था, मैं 200 कर रहा हूँ इसको। एक तस्वीर यहाँ लग गई, इसको मैं कर लेता हूँ जाकर 200। एक तस्वीर ये आ गई मेरे पास, इसको मैं अलाइन राइट करके देखता हूँ जी क्या ये ऑप्शन काम करती है। वो तस्वीर राइट पे आ गई, ये लेफ़्ट होगी मेरे पास, और बाकी बची सेंटर वाली पिक्चर। तो इसके ऊपर इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, 200 400 और 500 900, और थोड़ा सा और कर लेता मैं। और इनके जो मार्जिन हैं वो मैं थोड़े कंट्रोल, जैसे इन्होंने ये इस तरह फासला दिए हुए हैं इनका, एक्चुअल में यहाँ से ये बाहर आ रहा है डब्बे से और ये थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, लेकिन मैंने साइज़ सभी के बराबर रखे हैं ताकि देखने में अच्छा लग सके। और इसका फासला सेंटर में करने के लिए मैं एक और टैग ट्राई करता हूँ, इस इमेज को मैं रखता हूँ सेंटर टैग स्टार्ट, और चेक करके देखता हूँ ये टैग काम कर पाता है कि नहीं। सेंटर टैग स्टार्ट किया मैंने, सेंटर टैग किया क्लोज, तो उसने बाकी काम को भी डिस्टर्ब कर दिया, तो इसका मतलब ये टैग तो हमारे काम का नहीं बना फिर सेंटर वाला। अब मैं आपको इसको फिर इनलाइन CSS यूज़ करते हुए काम करके दिखाऊंगा क्या काम करूंगा मैं इसके अंदर। आता लगाता हूँ CSS में स्टाइल,
जस्ट वो टेस्टिंग के लिए मैंने 100 लिखा था कि देखो कोई पिक्चर मूव हुई भी कि नहीं हो रही। पिक्चर काफ़ी हद तक मूव हो गई ठीक है, इसका मतलब मैंने बहुत ज़्यादा लिखा था, कहा था टेस्टिंग के लिए। अब इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, उसको उनसे 20 करके देखता हूँ। पहले तो 20 लिखा तो इधर हो गया, और कम कर लेता हूँ मैं इसको 10। ले जी 10 किया तो ये दोनों साइड से बराबर तकरीबन हो चुके हैं मेरे पास। 10 का मैं 12 कर लेता हूँ या 11 कर देता हूँ। आप तकरीबन सारी साइडें बराबर आनी शुरू हो चुकी हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लिखा था, आइकन लग गया है, ऊपर वाला सेक्शन है, ये सारा काम हमारा ओके होता है। यहाँ तक आपने काम ओके कर लेना है। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक काम आपको इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाएगा। आई होप सो जी।